मनुष्य को चाहिए कि जो नाना प्रकार की पदार्थ उनके भेद विभेद मालूम पड़ रहे हैं उनको चित्तवृत्ति में हवन कर दे। चित्तवृत्ति को इन पदार्थों के संबंध में विविध भ्रम उत्पन्न करने वाले मन में, मन को सात्विक अहंकार में और सात्विक अहंकार को महतत्व के द्वारा माया में हवन कर दे। इस प्रकार ये सब भेद विभेद और उनका कारण माया ही है, ऐसा निश्चय करके फिर उस माया को आत्मानुभूति में स्वाहा कर दे। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के द्वारा आत्म स्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय एवं उपरत हो जाए। प्रहलाद जी, मेरी है आत्मकथा अत्यंत गुप्त एवं लोक और शास्त्र से परी की वस्तु है। तुम भगवान की अत्यंत प्रेमी हो, इसलिए मैंने तुम्हारी प्रति इसका वर्णन किया है। देवऋषि नारद जी कहते हैं, महाराज प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय मुनि से परमहंसों के इस धर्म का श्रवण करके उनकी पूजा की और फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया। मौले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद में 14वां अध्याय गृहस्थ संबंधी सदाचार का प्रसंग श्रवण करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, देवऋषि नारद जी, मेरे जैसा गृहस्थ गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है, आप कृपा करके मुझे बतलाइए। देवऋषि नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे, परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे और बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करें, अवकाश के अनुसार विरक्त पुरुषों में निवास करे और बार बार श्रद्धापूर्वक भगवान के अवतारों की लीला सुधा का पान करता रहे। जैसी स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता, वैसे ही जो जो सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो त्यों त्यों ही शरीर स्त्री पुत्र धन आदि की आसक्ति स्वयं छोड़ता चले, क्योंकि एक ना एक दिन छूटने वाले ही हैं। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए, अधिक नहीं। भीतर से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्यों जैसा ही व्यवहार कर ले। माता पिता भाई बंधु पुत्र मित्र जाति वाले और दूसरे जो कुछ कहें अथवा जो कुछ चाहे भीतर से ममता न रखकर उनका अनुमोदन कर दे। बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्नादि, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले स्वर्ण आदि, अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि तथा और सब प्रकार के धन भगवान के ही दिए हुए हैं, ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका उपभोग करता हुआ संचय न करे, उन्हें पूर्वोक्त साधु सेवा आदि कर्मों में लगा दे। मनुष्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उनकी भूख मिट जाए, इससे अधिक संपत्ति को जो अपनी मानता है वह चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। हरिन, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, सरीसृप, रेंग कर चलने वाले प्राणी, पक्षी और मक्खी आदि को अपने पुत्र के समान ही समझे, इनमें और पुत्रों में अंतर ही कितना है। ग्रस्त मनुष्य को भी धर्म अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए, बल्कि देश काल और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष करना चाहिए। अपनी समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते, पतित और चांडाल पर्यंत सब प्राणियों को यथा योग्य बांटकर ही अपने काम में लाना चाहिए। और तो क्या, अपनी स्त्री को भी जिसे मनुष्य समझता है यह मेरी है अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में नियुक्त रखें। लोग स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं, जहाँ तक कि अपने माँ बाप और गुरु को भी मार डालते हैं। उसी स्त्री से जिसने अपनी ममता हटा ली उसने स्वयं नित्य विजयी भगवान पर भी विजय प्राप्त कर ली। यह शरीर अंत में कीड़े विष्टा या राग की ढेरी होकर रहेगा, कहाँ तो यह तुच्छ शरीर, और इसके लिए जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमा से आकाश को भी ढक रखने वाला अनंत आत्मा। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त और पंचयज्ञ आदि से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करें। जो बुद्धिमान पुरुष इसकी सिवा और किसी वस्तु में स्वस्थ नहीं रखते उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है। अपनी
वर्णाश्रम विहित वृत्ति के द्वारा प्राप्त सामग्रियों से प्रतिदिन देवता ऋषि मनुष्य भूत और पितृगण का तथा अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए। यह एक ही परमेश्वर की भिन्न भिन्न रूपों में आराधना है। यदि अपने को अधिकार आदि यज्ञ के लिए आवश्यक सब वस्तुएं प्राप्त हों तो बड़े बड़े यज्ञ या अग्निहोत्र आदि के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। हे युधिष्ठिर, वैसे तो समस्त यज्ञों की भुक्ता भगवान ही है, परंतु ब्राह्मण के मुख में अर्पित किए हुए हविष्यान्न से उनकी जैसी तृप्ति होती है वैसी अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं। इसलिए ब्राह्मण देवता मनुष्य आदि सभी प्राणियों में यथा योग्य उनकी उपयुक्त सामग्रियों के द्वारा सबके हृदय में अंतर्यामी स्वरूप से विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसमें प्रधानता ब्राह्मणों की ही है। धनी ध्वज को अपने धन के अनुसार अश्विनी मासिक के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता तथा उनके बंधुओं पितामह मातामह आदि का भी महालय श्राद्ध करना चाहिए। इसके सिवा अयन कर्क एवं मकर की संक्रांति, विषुव तुला और मेष की संक्रांति, व्यतिपात दिन क्षय, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय, द्वादशी के दिन श्रवण धनिष्ठा और अनुराधा नक्षत्रों में, वैशाख शुक्ला तृतीया अक्षय तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी अक्षय नवमी, अगहन पौष माघ और फाल्गुन चार महीनों की कृष्णाष्टमी, माघ शुक्ला सप्तमी माघ की मघा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा और प्रत्येक महीने की वह पूर्णिमा जो अपने मास नक्षत्र चित्रा विशाखा ज्येष्ठा आदि से युक्त हो, चाहे चंद्रमा पूर्ण हो या पूर्ण द्वादशी तिथि का अनुराधा श्रवण उत्तर फागुनी उत्तराषाढ़ और उत्तर भाद्रपदा के साथ योग, एकादशी तिथि का तीनों उत्तरा नक्षत्रों से योग अथवा जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र से योग, ये सारे समय पितृगणों का श्राद्ध करने योग्य एवं श्रेष्ठ हैं। ये योग केवल श्राद्ध के लिए ही नहीं सभी पुण्य कर्मों के लिए उपयोगी हैं। ये कल्याणकारी साधना के उपयुक्त और शुभ की अभिवृद्धि करने वाले हैं। इन अवसरों पर अपनी पूरी शक्ति लगाकर शुभ कर्म करने चाहिए, इसी में जीवन की सफलता है। इन शुभ संयोगों में जो स्नान जप होम व्रत तथा देवता और ब्राह्मणों की पूजा की जाती है अथवा जो कुछ देवता पितर मनुष्य एवं प्राणियों को समर्पित किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार स्त्री के पुंसवन आदि, संतान की जात कर्मादि तथा अपनी यज्ञ दीक्षा आदि संस्कारों के समय, शवदाह के दिन या वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में अथवा अन्य मांगलिक कर्मों में दान आदि शुभ कर्म करने चाहिए। हे युधिष्ठिर, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ जो धर्म आदि श्रेय की प्राप्ति कराने वाले हैं। सबसे पवित्र देश वह है जिसमें सत्पात्र मिलते हों, जिनमें यह सारा चर और अचर जगत स्थित है, उन भगवान की प्रतिमा जिस देश में हो, जहाँ तप विद्या एवं दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हों, तथा जहाँ जहाँ भगवान की पूजा होती हो और पुराणों में प्रसिद्ध गंगा आदि नदियाँ हों, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी हैं। पुष्कर आदि सरोवर, सिद्ध पुरुषों के द्वारा सेवित क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गया प्रयाग पुलहाश्रम, शालग्राम क्षेत्र, नेमसारण्य, फाल्गुन क्षेत्र, सेतुबंधु प्रवास, द्वारका, काशी, मथुरा, पंपासर, बिंदु सरोवर, वद्रिका आश्रम, अलकनंदा, भगवान सीताराम जी के आश्रय अयोध्या, चित्रकूटादि महेंद्र और मलय आदि समस्त कुल पर्वत, और जहाँ जहाँ भगवान के अर्चावतार हैं, वे सब के सब देश अत्यंत पवित्र हैं। कल्याणकामी पुरुषों को बार बार इन देशों का सेवन करना चाहिए। इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं मनुष्यों को उनका हजार गुना फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, पात्र निर्णय के प्रसंग में पात्र के गुणों को जानने वाले विवेकी पुरुषों ने एकमात्र भगवान को ही सत्पात्र बतलाया है। यह चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। अभी तुम्हारी इसी यज्ञ की बात है, देवता ऋषि सिद्ध सनकादिकों के रहने पर भी अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही पात्र समझा गया। असंख्य जीवों से भरपूर इस ब्रह्मांड रूप महावृक्ष के एकमात्र मूल भगवान श्री कृष्ण ही हैं, इसलिए उनकी पूजा से समस्त जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती है। उन्होंने मनुष्य पशु पक्षी ऋषि और देवता आदि के शरीर रूप पुरों की रचना की है तथा वे ही इन पुरों में जीवन रूप से शयन करते हैं, इसी से उनका एक नाम पुरुष भी है।
युधिष्ठिर एक रस रहते हुए भी भगवान इन मनुष्यादि शरीरों में उनकी विभिन्नता के कारण न्यूनाधिक रूप से प्रकाशमान हैं, इसलिए पशु पक्षी आदि शरीरों की अपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ पात्र है। और मनुष्यों में भी जिसमें भगवान कंस तप योग आदि इतना ही अधिक पाया जाता है वे उतना ही श्रेष्ठ है। हे युधिष्ठिर, त्रेता आदि युगों में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं, तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। तभी से कितनी ही लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्री से प्रतिमा में ही भगवान की पूजा करते हैं, परंतु जो मनुष्य द्वेष करते हैं उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिल सकती। हे युधिष्ठिर, मनुष्यों में भी ब्राह्मण विशेष सुपात्र माना गया है, क्योंकि वे अपनी तपस्या विद्या और संतोष आदि गुणों से भगवान के वेद रूप शरीर को